कोई कहता आसुरी शक्तियां भी तो हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं किसी भी रूप में, आप कोई भी नाम लेते हैं भगवान का, ऐसा नहीं कि केवल हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव का, दुर्गा, सप्तसती का कोई भी पाठ करते हैं आप, उनके घर में कोई आसुरी शक्ति नहीं होती। जिस घर में पूजा पाठ होता है धूप अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती दिया बत्ती करती हैं सब माताएं, जिस घर में दिया बाती होती है, पूजा पाठ होता है, जिस घर में योग यजन होता है, भगवान का भजन होता है, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ होता है, प्रकाश होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कोई आसुरी शक्ति का, भूत प्रेत का वास नहीं होता है। ये भूत प्रेतों के नाम पर भी बहुत लोगों को डरा के रखते हैं, और फिर लोगों ने ना अपने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, यहां आने से भूत प्रेत की पेशी लगती है और यहां से भूत प्रेत भागते हैं। हर गांव में ग्राम देवता होता है, कुल देवता होता है, अपने अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी के प्रति श्रद्धा रखो, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो। माता पिता आपके घर में जीते जी, जीते जागते तीर्थ हैं, उनके चरणों में चारों धाम हैं। ग्राम देवता, कुल देवता, माता पिता के देवता तुम्हारे घर में बैठे, उनका आशीर्वाद लो। और अपने अपने कुल देवता को, अपने अपने कुल देवी को, अपने अपने मठ मंदिर, अपने आस पड़ोस में ना उन्हीं वहीं जाकर के पूजा पाठ करो। लोग इधर उधर दूर दूर तीर्थ धाम ढूंढेंगे, सब कुछ तुम्हारे पास है। और अध्यात्म का तो एक बहुत ऊंचा सिद्धांत है, ग्राम देवता, कुल देवता, माता पिता देवता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, जैसे हिमालय के हमारे केदारनाथ यहाँ के क्षेत्र देवता है, तो सब ठीक है। लेकिन एक अध्यात्म का और ऊंचा सिद्धांत है, सारे देवी देवता, सारे भगवान तेरे भीतर हैं। ये अगला सिद्धांत गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, कबीर साहब ने भी यही कहा है, सब महापुरुष ने भी।